पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार की आहट से परेशान ममता बनर्जी अब तरह तरह के आरोप लगाने पर उतर आई हैं। यहां तक कि सीमा की सुरक्षा कर रहे बीएसएफ को भी ममता बनर्जी ने सियासत में खींच लिया है। तमाम राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने वाले सीमा के प्रहरियों पर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया। ममता बनर्जी के आरोपों का बीएसएफ ने करारा जवाब दिया। बीएसएफ ने कहा कि वह एक गैर राजनीतिक ताकत है और सभी नेताओं सभी दलों का समान रूप से सम्मान करते हैं। बीएसएफ ने कहा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक गैर राजनीतिक फोर्स है। हम सभी नेताओं को पार्टियों को सम्मान देते हैं। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया गया है। बता दें कि बीएसएफ ने पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मामलों के मंत्री और कोलकाता के महापौर फरहाद हकीम और टीएमसी महासचिव पार्थ चटर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी, फरहाद हकीम, सुब्रत बख्शी, सुब्रत मुखर्जी ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। टीएमसी नेताओं के चुनाव आयोग के समक्ष कहा गया कि बीएसएफ के जवान पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में जाकर लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए धमका रहे हैं। टीएमसी नेताओं ने कथित रूप से अवैध प्रवासियों और मतदाता सूची में रोहिंग्या शरणार्थियों के बारे में बीजेपी के दावों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है तो इसमें केंद्र सरकार की गलती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा आगामी 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले 2 दिवसीय दौरे पर इलेक्शन कमीशन की पूरी पीठ के साथ राज्य में पहुंचे थे। भारत के चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया कि बीजेपी सीमा के आसपास के गांवों में बीएसएफ के जवानों को भेज रही है। बीएसएफ के जवान गांवों में जाकर लोगों को बीजेपी को वोट देने के लिए धमका रहे हैं, जिसको लेकर मैंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। इस पर आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। फरहाद हकीम वही विवादास्पद नेता हैं जिन्होंने पहले कोलकाता के मुस्लिम बाहुल इलाके को मिनी पाकिस्तान कहा था। सीएए विरोधी दंगों के दौरान मुस्लिम दंगाइयों को शांत करने के लिए जिन्होंने व्यापक बर्बरता, आगजनी, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था। हकीम ने उन्हें भाई का दर्जा दिया था। भाइयों के रूप में दंगाइयों को संदर्भित करते हुए हकीम ने दावा किया था कि मुसलमानों द्वारा इस तरह के कृत्यों से बीजेपी को बंगाल की सत्ता में आने में मदद मिलेगी, फिर बंगाल के भी मुसलमानों को यूपी की तरह अपना सिर झुकाना ही होगा। इसके अलावा हकीम को राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं की क्रूर हत्याओं का मजाक उड़ाते हुए भी पाया गया। वहीं पार्थ चटर्जी ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद कहा कि पश्चिम बंगाल खतरनाक स्थिति में है और आयोग को इस पर गौर करना चाहिए। स्टेट पोल पैनल केंद्रीय और राज्य नियामक एजेंसीज के अधिकारियों के साथ चर्चा करने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनकी राय जान रहे हैं। खबरों के अनुसार राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए स्टेट पोल पैनल जल्द ही संभागीय आयुक्तों, जिला चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।